और ये हमारे कुल देवी का स्थान है, अमा सती मैया का। और ये मैंने दीपक जला दिया है। दिख रहा है ना? ये दीपक जलाने ले जा रहा हूँ मैं माई स्थान में। अब सब दिख रहा है ना? दिव्यांशु पानी लिया कर दिया। सलाई कहाँ बा? माता आई थी बाबू अगरबत्ती जहाँ दीपक जलता है वहाँ अगरबत्ती मुर्दा पे जलाने वाले मजबूरी में पंडित लोग अगरबत्ती जबरदस्ती पूजा करवाता है अपने फायदे के लिए। अरे ऊपर जगह में क्या होगा तो नीचे उधर ऐसा होता है। और दिया कैसे हटा दे लगा हुआ थी में और पिंड में बसा तो सटा था मैं कहूँ तो बेन आई दिया खींचता था वो आई ना यहाँ वाला हाँ फल पक से पानी लाओ तो दिव्यांशु इसको फेंक करके बनी जाता बंद कर दो। आप बंद कर दो। और ये देखिए माई स्थान में सब लोग दीपक जला रहा है आज दीपावली के शुभ अवसर पे। ये गांव के ब्रह्म बाबा का स्थान बनाया है हम लोगों ने। ये बन सक्षु माई का स्थान है, देख लीजिए आप लोग। पीपल के वृक्ष के पास पीपल के वृक्ष के पास मैंने दूसरे पीपल के पास दीपक जला दिया है।
साइड। और ये बजरंग बली के पास मंदिर के परिसर में हनुमान जी के पास हरे कृष्ण के पास भी मैंने दीपक जला दिया है, जो आप लोग देख रहे हैं। गणेश जी के भी पास भी मैंने दीपक जला दिया है, जो आप लोग देख रहे हैं। ये राम दरबार में भी मैंने दीपक जला दिया है, आप लोग देख रहे हैं। दीपावली के दिन कितने सारे लोग दीपक जलाए हैं। ये राम जानकी मंदिर है, आप लोग देख रहे हैं। और ये राम जानकी मंदिर है, जिसमें अभी अभी मैंने दीपक जलाया था। ये दिवाली के दिन का नज़ारा देखिए, दुर्गा मंदिर का, राधे कृष्ण का है जो आप देख रहे हैं। और ये मंदिर है, और ये वही राम जानकी मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये मंदिर में आप लोगों ने देखा कि हम सभी ने मिलकर दीपक जलाया है आज दिवाली के दिन, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सामने मेरा घर है, लेकिन आम के पेड़ के वजह से दिखाई नहीं दे रहा है दीपक, और मैं फिर भी गांव के लोगों का नज़ारा दिखाता हूँ दिवाली में। देखिए कैसे कैसे लोग अपने घरों को सजाए हुए हैं भव्य तरीके से। ये अद्भुत नज़ारा है, ये भी देखिए छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है, कुर्सी भी लगा हुआ है लोगों को खिलाने के लिए, और ये देखिए मोमबत्ती जल रहा है।